उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद में सत्संग भगदड़ कांड में अब तक 123 लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद से ही ये सवाल उठने लगे हैं कि इस घटना के लिए आखिर जिम्मेदार है कौन। जहां एक तरफ इस हादसे के करीब चार दिन बाद सूरजपाल बाबा का पहला बयान सामने आया है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने घटना पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट पर मायावती ने सीधे तौर पर इसके लिए बाबा जैसे लोगों को दोषी ठहरा दिया है और सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, देश में गरीबों, दलितों व पीड़ितों आदि को अपनी गरीबी व अन्य सभी दुखों को दूर करने के लिए हाथरस के भोले बाबा जैसे अनेकों और बाबाओं के अंधविश्वास व पाखंडवाद के बहकावे में न आकर अपने दुख व पीड़ा को और नहीं बढ़ाना चाहिए, यही सलाह है। बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलकर इन्हें सत्ता खुद अपने हाथों में लेकर अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी, अर्थात इन्हें अपनी पार्टी बीएसपी से जुड़ना होगा। तभी ये लोग हाथरस जैसे कांड से बच सकते हैं जिसमें 121 लोगों की हुई मृत्यु अति चिंताजनक है। हाथरस कांड में बाबा भोले सहित अन्य जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अन्य और बाबाओं के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में सरकार को अपने राजनीतिक स्वार्थ में ढीला नहीं पड़ना चाहिए ताकि आगे लोगों को अपनी जान न गंवानी पड़े। मायावती के इस ट्वीट से साफ है कि वो आरोपियों को बख्शने के मूड में नहीं है। उन्होंने मामले को अति चिंताजनक बताते हुए बाबाओं के अंधविश्वास और पाखंडवाद के बहकावे में आकर अपनी मुश्किलें और नहीं बढ़ाने की सलाह लोगों को दे डाली। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने हाथरस कांड वाले बाबा सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा पर तीखा हमला बोल दिया है। बसपा सुप्रीमो ने कह दिया कि ऐसे पाखंड और अंधविश्वास में पड़ने की जरूरत लोगों को बिल्कुल नहीं। इसी के साथ मायावती ने दलित वर्ग को नसीहत देते हुए कहा है कि वो ऐसे बाबाओं के चक्करों से दूर रहें और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए रास्ते पर ही चलकर सत्ता हासिल करें और अपने जीवन में बदलाव लाएं। इसी के साथ बसपा चीफ ने योगी सरकार से भी कहा है कि राजनीतिक स्वार्थ के चलते बाबा समेत जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। आपको बता दें कि हाथरस मामले में मौत का आंकड़ा 123 तक पहुंच चुका है। साथ ही इस मामले में पुलिस की FIR में मुख्य आरोपी बनाया गया बाबा का सेवादार देव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार किया जा चुका है। सिकंदर राव के गांव फुलरई में सूरजपाल जो कि सत्संग भगदड़ मामले में मुख्य आरोपी था उसको देर रात पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चार दिन से पुलिस की कई टीमें अलग अलग राज्यों में इसे लेकर दबिश दे रही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथरस भ्रमण के बाद आरोपी पर 1,00,000 का इनाम भी घोषित किया गया था, मगर अब मुख्य सेवादार की गिरफ्तारी के बाद और मायावती के इस ट्वीट के बाद ये सवाल भी उठने लगे हैं कि इस कांड के जो मुख्य हैं यानी कि सूरजपाल जाटव बाबा उन पर आरोप कब तय होंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।